सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो फिर हम बात करते हैं ट्विच स्ट्रीमर के बारे में, जिनके स्ट्रीम में भाई एक क्रेजी चीज हो गया। तो वो स्ट्रीमर का नाम है बिग एक्स। तो वो उनके कुछ दोस्त ना रास्ते में कार स्टंट्स वगैरह कर रहे थे, तो उतने में क्या हो जाता ना, थोड़े टाइम बाद पुलिस आ जाते वहाँ पे। एंड देन फिर भाई पुलिस जो पीछा करते उनको, एंड भाई वो लोग जो स्पीड में भागते हैं, यस वो क्लिप अभी आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा क्लिप भी दिखाता हूँ, आप देखिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके, राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल का न्यू वीडियो आदि मानव आउट हो चुका है, एंड भाई क्या ही खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है ना। 10 घंटे के अंदर अंदर यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था भाई उनका वीडियो। इतना ही नहीं, हर्ष बेनीवाल भी राउंड टू हेल का वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें, लिखे वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इन यूट्यूब इंडिया, ऑल टाइम फेवरेट, ऑलवेज डिड समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। उसी स्टोरी को राउंड टू हेल के नाजिम भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया, लिखे थैंक्स हर्ष। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके, बियर बाइसेप्स के बारे में। तो क्या बियर बाइसेप्स को नीना गुप्ता ने रोस्ट कर दिया? कुछ टाइम पहले के चैनल पर नीना गुप्ता का एक पॉडकास्ट आउट हुआ था ना, तो उसी पॉडकास्ट से ना एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आप देखिए। आपका अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना, वो कितना तंग करे आपको, होता है? नहीं बताओ, आई एम आस्किंग यू। सॉरी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, बादशाह के बारे में। तो बादशाह आए थे आपकी अदालत में, जो होस्ट करते हैं रजत शर्मा। तो वहाँ पे उनसे हनी सिंह के बारे में पूछा गया ना, और जो उन्होंने हनी सिंह के बारे में बोला था कि इनसे कम बैक नहीं हो रहा, उसके बारे में पूछा गया। तो ना रजत शर्मा पूछते हैं, बादशाह आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। तो वो पूछते कौन सा भाई, किसकी याद आई? तो बादशाह कहते हैं ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। फिर वहाँ पे सारे लोग ताली बजाते हैं, फिर वो कहते हैंवी सवाल पूछ लिया। फिर वो कहते हैं हाँ उनके लिए लिखा था। तो रजत शर्मा फिर कहते हैं आपने उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा। तो बादशाह कहते हैं ये तो दुनिया को पता है सर किसके लिए था। फिर रजत शर्मा पूछते हैं हाँ लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना? तो बादशाह कहते हैं सर इतना तो हक बनता ही है, इतनी नोकझोंक तो बनती है, मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। फिर सारे वहाँ पे तालियां बजाते चिल्लाते हैं। फिर रजत शर्मा कहते हैं आपने तो उनमें फर्क बता दिया, मैं रॉल्स रॉयस हूँ और वो। तो बादशाह कहते हैं सर ये चलती रहती है, ये जो हमारा जॉनर है हमारे म्यूजिक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे ये चलता रहता है, वहाँ पे अगर ये नहीं होगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आई, इवेंचुअली इट इज एंटरटेनमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो रजत शर्मा कहते हैं नहीं लेकिन ये सच है कि आप और हनी सिंह करीबी थे, साथ रहे, हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया, रैप करना सिखाया। तो बादशाह कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है सर, हर किसी को तो भाई नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरा वो, और मैं लिखता था उनके लिए, उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था तभी हम मिले थे, मैं लिखता था उनके लिए और वो म्यूजिक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी। इसके बाद ना यो हनी सिंह के इंस्टाग्राम पर जो फर्स्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया गया था वो था ये, जहाँ पे लिखा गया साइलेंस बिफोर बीइंग बॉर्न, साइलेंस After death, life is nothing but a noise between these two unfathomable silences. अब पता नहीं भाई ये cryptic post उनके लिए ही था या फिर किसके लिए था। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात, जो लव कटारिया के बारे में। तो लव कटारिया मिले बागेश्वर धाम बाबा से, यस वो एक फोटो पोस्ट किए थे ना, आप देख सकते हो। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात, जो पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अफरीदी के बारे में। आपको बताओ कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में वो जब गए थे तो वहाँ पे ना वो लोग जो है लगेज खुद ट्रक में भर रहे थे, तो उसके ऊपर शाहिद अफरीदी ने रिएक्ट करा, वो कहे हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचे नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए, और हमने अपने लगेज को लोड करने में हेल्प किया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 जन थे, हम जल्दी जल्दी लोड करके टाइम सेव करना चाहते थे। और यहाँ पे क्रिकेटर की बात हुई तो बात करते फॉर्मर क्रिकेटर विव रिचार्ड्स के बारे में। बता दो इन्होंने 1974 से लेकर 1991 तक क्रिकेट खेला वेस्ट इंडीज के लिए, इनको वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स ऑफ हिज जनरेशन माना जाता है। तो जितने भी ईस्टर्न कैरिबियन कंट्रीज है ना, वहाँ का जो $2 का नोट है उसमें भाई विव रिचार्ड्स का फोटो होगा एज ए ट्रिब्यूट। बता दो 6 दिसंबर से वो पैसे सर्कुलेट होने लगेगा ना। आपको बताओ कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का 5th T20 इंटरनेशनल मैच था, जो कि जीत लिया इंडिया ने भाई। सीरीज तो इंडिया ने पहले ही जीता था, लेकिन अभी 4 इंडिया ने वो सीरीज को जीत लिया टोटल ना। तो कल अनन्या पांडे भी गई थी, ठीक है, जो मैच स्टार्ट होने से पहले डिस्कशन वगैरह नहीं चलता वहाँ पे, तो उनसे पूछा जाता है कि वो कौन से क्रिकेटर को डीएम करना चाहेंगी। तो अनन्या पांडे कहती है मैं डीएम करूंगी रोहित शर्मा को, वो एक बहुत ही सॉलिड कैप्टन है, उन्होंने अपनी टीम को काफी अच्छे तरीके से लीड किया इन द वर्ल्ड कप, मैं उनको डीएम करके थैंक यू बोलूंगी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते, ऑरी के बारे में। तो कौन है भाई ऑरी? तो हर्ष धागा अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, मैं भी वो देख के भाई शॉक हो गया कि ऑरी कौन, आप भी हैरान हो जाओगे, आप देखिए। तो खैर ऑरी का पूरा नाम है अरहन अवंतरमानी, he was born in Mumbai, Maharashtra. और इंटरनेट में इनके बारे में जितनी भी डिटेल अवेलेबल है उससे ये पता चला कि इनकी मदर का नाम है शहनाज अवंतरमानी और इनके फादर का नाम है सूरज अवंतरमानी। और ऑरी कोई रैंडमली घूमता फिरता छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसे पापाराजी स्पॉट कर रहे हैं और जो स्टार किड्स के साथ आ रहा है
ओरी का एक बहुत ही अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बैकग्राउंड है। ये कुछ कंपनीज हैं जो ओरी की फैमिली ओन करती है और जो कैंडी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और कैंडी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों ही कंपनीज का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1200 करोड़ का था और ये तो सिर्फ दो कंपनीज का रेवेन्यू है। कैंडी एंटरप्राइजेस का साल 2020 का रेवेन्यू 980 करोड़ था, साल 2021 में 800 करोड़ एंड कैंडी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड 2020 में 620 करोड़, 2021 में 490 करोड़। कैंडी स्पिरिट्स के टोटल एसेट्स देखे जाएं तो वो 1000 करोड़ से ज्यादा के हैं और कैंडी एंटरप्राइजेस के 1700 करोड़ से ज्यादा। इनकी बिजनेस चेन बहुत ज्यादा बड़ी है। जितनी ज्यादा हमने रिसर्च की, हमें पता चलते चला गया कि सेम नेम के अंडर बहुत सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं और ये चेन बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इस चेन में रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज भी हैं और होटल चेन्स की भी। और ये इसी बिजनेस बैकग्राउंड की वजह से उन्हें बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ भी स्पॉट किया जाता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली का जो रेस्टोरेंट है मुंबई में 18 कम्यून करके, उससे रिलेटेड एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो एक जन जो तमिलनाडु से है वो क्लेम करते हैं कि उनको जो है विराट कोहली का रेस्टोरेंट 18 कम्यून में एंट्री नहीं दिया गया फॉर वेयरिंग वेस्टी। वेस्टी बता दो, एक साउथ इंडियन ड्रेस है ना, आप देख सकते हो उन्होंने क्या पहना हुआ था, उसके लिए उनको एंट्री नहीं दिया गया। रेस्टोरेंट का कहना है कि जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो रेस्टोरेंट का ड्रेस कोड के अगेंस्ट है। ऑफ कोर्स कुछ लोग अभी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं रेस्टोरेंट को, साथ ही साथ कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं ये बोल के कि वो लोग जो है गलत नहीं है, वो तो बस रूल फॉलो कर रहे हैं। काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर का फिल्म एनिमल आपको पता होगा काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है बॉक्स ऑफिस में। तो रणबीर कपूर को उस फिल्म के लिए कितने मिले थे भाई? तो बताया जा रहा है कि वो किसी फिल्म में काम करने के लिए 70 करोड़ के अराउंड लेते हैं, बट इस फिल्म के लिए उन्होंने 50% रिड्यूस कर दिया। उन्होंने सिर्फ 30-35 करोड़ रुपए लिए ना उस फिल्म के लिए। अब ऐसा क्यों भाई? उस फिल्म का जो प्रॉफिट होगा ना उसका भी उनको शेयर मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने 50% रिड्यूस किया। और बताया जा रहा है कि बॉबी देओल को उस फिल्म के लिए मिले थे 4-5 करोड़ रुपीस, रश्मिका मंदाना को मिले थे 4 करोड़ रुपीस, अनिल कपूर को मिले थे 2 करोड़ रुपीस। और जो 3 दिन में एनिमल मूवी का कलेक्शन हुआ 177 करोड़ रुपीस, ये हिंदी नेट कलेक्शन बता रहा हूं मैं। जवान का 3 दिन का कलेक्शन था 180.45 करोड़ रुपीस, एनिमल सेकंड पर है आप देख सकते हो। पठान का था 161 करोड़ रुपीस। सारे लैंग्वेजेस को मिला के एनिमल मूवी ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया 200 करोड़ रुपीस का। इसे आप समझ सकते हो कि क्या खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। और जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है बॉबी देओल का, वो बेसिकली गए थे एनिमल मूवी का सक्सेस पार्टी में, तो वहीं पे जो पापराजीज वगैरह थे ना उनको वो बोल रहे कि उनको जो इतना प्यार मिल रहा है उस फिल्म के वजह से वो एक ड्रीम की तरह है। वो इमोशनल भी हो गए थे ना, आप देख सकते हो पिक्चर। यस बैन, बॉबी देओल को जो एप्रिसिएशन मिल रहा है इस फिल्म की वजह से मिलना भी चाहिए, क्योंकि काफी खतरनाक एक्टिंग उन्होंने की। सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया यार, रणबीर कपूर ने भी क्या ही खतरनाक एक्टिंग किया, रश्मिका मंदाना ने भी एंड ऑल्सो अनिल कपूर ने भी। ऑल्सो ना आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू काफी ज्यादा रिसर्फेस कर रहा ऑनलाइन। वो कहते हैं डायरेक्टर्स जो हाईली क्रिएटिव नहीं होते इन टेलिंग ए स्टोरी, वो डिपेंड करते हैं ऑन वायलेंस एंड सेक्स टू मेक देयर फिल्म्स वर्क। क्या आप लोग एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो जो यहाँ पे आमिर खान ने कहा, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड ना ऐसे स्ट्रेंजर से बात कर रहे थे, तो ये पे एक लड़की ना आइसो स्पीड को गुस्सा दिला देती है। आपको बताओ कुछ महीने पहले जब वो स्ट्रीम कर रहे थे, आइसो स्पीड का जो प्राइवेट पार्ट दिख गया था, मैंने ये डिस्कवर भी किया, तो उससे रिलेटेड वो लड़की कुछ बोल देती है ना, आइसो स्पीड का क्या रिएक्शन था आप देखिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे एक वीडियो शेयर किया, ठीक है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक रेस्टोरेंट में लिखा हुआ है गूगल पर रिव्यू एवं फेसबुक पर फोटो अपलोड करें और पाए 10% ऑफ। यस, उस रेस्टोरेंट का अगर आप गूगल पर रिव्यू देते हो या फिर फेसबुक पर उस रेस्टोरेंट का फोटो अपलोड करते हो, देन फिर आपको 10% का ऑफ मिल रहा है भाई। तो मनोज डे लिखे पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब सबको पता है कि असली प्रमोशन सोशल मीडिया पे ही है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, दिनेश फाडनीस के बारे में। आप में से मैक्सिमम लोग इनको जानते होंगे, ये पॉपुलर है फॉर हिज रोल ऑफ फ्रेडरिक्स इन सीआईडी। यस, फ्रेडरिक्स का रोल प्ले किए थे। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे कि उनको जो हार्ट अटैक आया एंड वो जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो रखे हैं। आई होप यार वो जो जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो आपको पता होगा मृदुल माधोक जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स को स्ट्राइक वगैरह देने का कोशिश किए, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स ने काफी टाइम पहले उनके ऊपर रोस्ट वीडियोस वगैरह बनाए थे, उनको एक्सपोज किया। तो इतने टाइम बाद वो स्ट्राइक देने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से यहां पे लक्ष्य चौधरी ने मृदुल माधोक के ऊपर एक वीडियो निकाला, मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आप देखिए। बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट पूरी बॉडी स्किन की बात करते हैं, बट ये सिर्फ गर्दन की बात क्यों करता है? क्योंकि इसको डीप लेने का शौक है। शुरुआत इसने मिस इन्फॉर्मेशन बेचने से की थी, आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब इसको अपना चैनल बेचना पड़ेगा। मैडहॉक दूसरे के चेहरे और बॉडी पे इतने कमेंट करते हैं, शायद इसके फोन में फ्रंट कैमरा नहीं है। खुद की हेडलाइन पीछे गर्दन में मिलने को हो रही है और लोगों को बेच रहा है हेयर केयर प्रोडक्ट। हम सब लोगों को गलतफहमी है कि मैडहॉक को काले लोगों से प्रॉब्लम है। नहीं भाई, उसको काले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका तो घर ही उन्हीं से चलता है कलर शेम करके। इसको लग रहा था कि खुद पे बनी 2 साल पुरानी सटायर वीडियोस हटवा के इसकी इमेज क्लीन हो जाएगी, अब 200 वीडियोस और बन गई।
तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अभिषेक उपमन्यु के बारे में। तो अभिषेक उपमन्यु भाई वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, इस साल नहीं अगले साल। यस, काफी सारे जगह वो जाने वाले ना, ऑल ओवर इंडिया भी वो करेंगे और भी काफी सारे कंट्रीज में। यस, लिस्ट आप देख सकते हैं, डेट्स वगैरह भी आप देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक बंदे के बारे में जिसने अपनी 20 साल की गर्लफ्रेंड को मार दिया। लड़की का नाम बता दूं आशिक है, जो लड़की जिसका डेथ हुआ उसका नाम है फौसी। बेसिकली वो दोनों का ना एक झगड़ा स्टार्ट होता है चेन्नई के होटल रूम में। अब झगड़ा किस लिए भाई, वो लड़के का ना एक दूसरी लड़की के साथ फोटो था उसके फोन में, तो इसलिए झगड़ा स्टार्ट होता है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लड़के ने उस लड़की को मार दिया, एंड इतना ही नहीं उसका डेड बॉडी का वो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी रखता है। अभी बता दूं वो बंदा अरेस्ट हो चुका है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट का भी आपको पता होगा वर्ल्ड टूर चल रहा है, एंड काफी खतरनाक टूर चल रहा है भाई, काफी ज्यादा पैसे वो कमा चुकी है ऑलरेडी। और 2023 में टेलर स्विफ्ट बन गई स्पॉटिफाई की टॉप स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट ऑफ 2023। एंड बताया जा रहा है कि वो सिर्फ स्पॉटिफाई से $100 मिलियन कमाएगी भाई। आज तक कोई भी आर्टिस्ट ने $100 मिलियन नहीं कमाया स्पॉटिफाई से। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ब्रायन जॉनसन के बारे में। तो पता है ये जो है 16 करोड़ रुपीज पर ईयर खर्च करते हैं, क्यों? टू रिड्यूस हिज बायोलॉजिकल एज टू 18। यस, वो है एक्चुअली 46 ईयर्स के, लेकिन वो दिखना चाहते हैं 18 साल का। उन्होंने रिसेंटली एक पिक्चर भी शेयर किया अपना, आप देख सकते हो ट्विटर पे, एंड वो लिखा आई गॉट रियली स्किनी द फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लू प्रिंट एंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ फेशियल वॉल्यूम। वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट बेबी फेस 10 मंथ्स एगो, हाउ आर वी डूइंग। क्या वो एकदम यंग लग रहे अभी या फिर कैसे लग रहे, कॉमेंट करके जरूर से बता। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स रहेगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।